सो हाय एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड। सो गाइज आज है डे टू और आज हम मेरा पर्सनली फेवरेट वर्कआउट है ये, ठीक है। तो आज है बैक और बाइसेप का वर्कआउट, बहुत मज़ा आने वाला है। कमेंट करोगे कि कैसे लगा वर्कआउट। और मैं आपको वर्कआउट बता दूँ, आज हम बैक की पूरी 5 एक्सरसाइज करने वाले हैं और बाइसेप की हम करने वाले हैं 3 एक्सरसाइज। सो वर्कआउट की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो वर्कआउट है ये मैं 2 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, रिजल्ट आने लगे तब जाके मैंने आप लोगों को वो बताया। और जो रिजल्ट है आप बोलोगे कि भाई क्या रिजल्ट है, इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। और ये सीरीज़ के बाद में जो भी व्लॉग्स आएंगे मैं उसमें ज़रूर अपने कुछ पिक्स ऐसी डालूंगा जिसमें मुझे लगा कि हाँ मेरे को रिजल्ट आया, बैक मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है भाई, करके देखना और उसके बाद मुझे बताना। सो थोड़ा सा वर्कआउट के बारे में हम बात करते हैं। तो वर्कआउट भाई ये 6 हफ्तों का वर्कआउट है, ठीक है। और जब मैंने कोच से बात करी कि ये जो वर्कआउट है जो आपने भी बताया मुझे, क्या ये ही मुझे फॉलो करना है, तो उन्होंने बोला कि होगा ऐसे कि इसमें रिवर्स चलेगा। अब रिवर्स का मतलब मैं जल्दी से समझा देता हूँ आपको, उसके बाद हमारा वर्कआउट चालू होएगा। रिवर्स का मतलब ये है कि अगर जैसे आज डे टू है, ठीक है, डे टू मतलब ट्यूसडे आज, ठीक है, तो हम बैक की पूरी 5 एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाइसेप की हम कर रहे हैं 3 एक्सरसाइज। अब जब यही एक्सरसाइज मतलब ये डे जब रिपीट होगा वो होगा फ्राइडे को, ठीक है, तो हाँ फ्राइडे को होगा। तो फ्राइडे को हम करेंगे बैक की 4 एक्सरसाइज और बाइसेप की करेंगे हम 6 एक्सरसाइज। मैं ये सीरीज़ इसलिए बना रहा हूँ भाई बहुत लोगों की हेल्प होगी, एक बार फॉलो करके देखना। जहाँ मैंने मेरे कोच को पैसे दिए ना भाई, वहाँ पे आपको ये फ्री में मिल रहा है। तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वो अभी तक ऑन नहीं किया, उससे आपको पता नहीं चलता कि कब वीडियोस आ रही है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट बिगिन। तो आज पहली एक्सरसाइज होने वाली है, वो होने वाली है सुपर सेट। भाई पहला मैं बताता हूँ आपको, 10 मिनट का वार्म अप करना, ठीक है। वार्म अप में आपको एक चीज़ और करनी है, इसमें बैक वर्कआउट में फॉलो करना है आपको, कि आज आपको पुलअप्स मारने हैं भाई। 5 लगे 5 लगाओ, 3 लगे 3 लगाओ, 3 3 3 के 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। सुपर सेट होने वाला है पहली एक्सरसाइज। वार्म अप अच्छे से करने के बाद हम सुपर सेट करेंगे और उसमें हम करेंगे 4 सेट, टोटल 4 सेट करेंगे और 10 से 12 रैप करेंगे। अब इसमें क्या है ना, 2 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज है वो है लैट पुल डाउन, ठीक है, थोड़ा सा वाइड पकड़ना है और लैट पुल डाउन, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने पहले भी करी होगी बट ये सुपर सेट ऐड करना, पहली एक्सरसाइज है बहुत, मतलब मैं बोलूँगा पहली एक्सरसाइज में आपको अपने आप फील हो जाएगा कि भाई क्या वर्कआउट है, क्या मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो लैट पुल डाउन के साथ एक सेट आपने जैसे ही लैट पुल डाउन का करा, उसके बाद आपको बिना रुके, सुपर सेट का मतलब ये होता है कि भाई आपको हैंड पेंट दूसरी एक्सरसाइज करना है। लैट पुल डाउन करा, उसके बाद आपको करना है रिवर्स ग्रिप, ठीक है। ये है रिवर्स ग्रिप, तो इसको प्रॉपर नीचे लाना और स्लोली ऊपर ले जाना। आप क्या हो ना, आप क्या करते हो जब नीचे लाते हो ना, ठीक है, तो अब एकदम से छोड़ देते हो, वो एकदम से नहीं छोड़ना, ठीक है। सुपर सेट है 4 सेट और 10 से 12 रैप करने, बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जो सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है मशीन न्यूट्रल ग्रिप, सीटेड न्यूट्रल ग्रिप। इसके हमें 3 सेट करने हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है जो मुझे मेरे कोच ने बताई थी, वो आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी पहले ही शेयर कर देता हूँ, कि जब आप उसको पीछे ला लो, लाइक ये है, ये पीछे लाए, 1 सेकंड होल्ड दो और स्लोली उसको आगे ले जाओ, ठीक है। अब इसमें आपको एक बेनिफिट मिलेगा, वो ये मिलेगा कि आपकी चेस्ट बिल्कुल न्यू टच रहेगी, तो आप आगे पीछे का सपोर्ट नहीं ले सकते। और मैं बोलूँगा उससे प्रॉपर रोइंग एक्सरसाइज होगी, वो प्रॉपर आपके लैट से वो इंगेज होगा। और मेन चीज़ क्या होती है, हमें बैक में सबसे बेस्ट क्या लगता है, मैं सबसे मेन होता है लैट्स, ठीक है, जो आपके ये विंग्स होते हैं, ये होता है मेन। जब आप किसी को बैक पोज मार के दिखाते हो तो उसमें यही दिखता है कि बैक कितनी वाइड है उसकी। तो भाई सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यही लगी मुझे अभी तक। और इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, स्लोली करना, पीछे लाओ, 1 सेकंड का होल्ड दो और फिर वापस उसको स्लोली आगे ले जाओ, ठीक है। 3 सेट करने और 10 से 12 रैप करने। तो इसी के साथ थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है और उसमें जो प्रोग्रेस मुझे मिला है आई थिंक वो मुझे 1 साल में भी नहीं मिला, जो अभी 2 महीने में मिला है। तो वो होने वाली है डंबल सिंगल आर्म बेंट ओवर रो। नाम बहुत बड़ा है लेकिन एक्सरसाइज भी उतनी ही मज़ेदार और उतनी ही इफ़ेक्टिव है। सो इसके 3 सेट करेंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं बेंच पे क्यों करता हूँ। बेंच पे इसलिए करता हूँ ताकि मेरा सिर्फ लेट्स इंगेज हो, ना कि अपर बॉडी या फिर शोल्डर। होता क्या है ना, इसमें ध्यान से आप वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं, आप खुद सोचो, अगर मैं बेंच पे नहीं करता या फिर मैं डायरेक्ट टेबल पे हाथ रख के करता तो मेरा शोल्डर आगे पीछे होता। मुझे शोल्डर नहीं, मुझे बैक की एक्सरसाइज करनी है, मुझे लैट्स को इंगेज करना है। तो इसमें मैंने हाथ आगे रख रखा है ताकि मेरा बॉडी सिर्फ लैट से खींचे और लैट से डंबल में आगे ले जाऊँ, लैट से ही नीचे ले जाऊँ और शोल्डर नहीं हिले। बहुत बार क्या होता है ना, शोल्डर इंगेज हो जाता है, बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, चाहे वो चेस्ट की एक्सरसाइज हो, उसमें भी आपको जब वीडियो आएगी उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या हमें चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो इसमें 3 सेट करने हैं, 10 से 12 रैप करने। मैंने दोनों तरफ से वीडियो लेने की कोशिश करी है, एक लेफ्ट एक राइट से, तो वीडियो देखो ध्यान से देखना। और मैं बिल्कुल हिल नहीं रहा, मेरा जो डंबल है वो सिर्फ लाइक वो रोइंग कर रहा है, ये
ये जा रहा है और लेट्स जा रहा है, लेट्स इंगेज हो रहा है, लेट्स आगे जा रहा है, लेट्स पीछे जा रहा है, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक और चीज़ देता हूँ कि बहुत बार क्या, अब आप वीडियो देख लोगे आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। ध्यान से देखना कि जो मेरा हाथ है, जो मैंने रख रखा है, एक से तो मैं डंबल कर रहा हूँ, एक मेरा जो हाथ है वो शोल्डर का लेवल है उससे थोड़ा सा आगे है, कैमरे में दिख नहीं रहा होगा बट समझना इस बात को, शोल्डर से थोड़ा सा आगे ताकि वो स्टेबल रहे। अब शोल्डर पे क्या है ना, डायरेक्ट वो स्ट्रेट रहता है तो शोल्डर इंगेज हो जाता है, थोड़ा सा आपको हाथ आगे रखना है, प्रॉपर लेट से खींचना है। याद रखना कि आप वेट कम उठाओ लेकिन लेट से खींचना है, लेट्स पे आएगा और लेट से ही आपकी बैक जो है वो वाइड दिखेगी, ठीक है। तो इसमें 3 सेट करने हैं, ठीक है, और 10 से 12 रैप करने हैं। जो अब एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है सिंगल आर्म पुल डाउन, ठीक है। अब इसमें दोनों चीज़ से कर सकते हो, मुझे तो रोड अच्छी लगती है रोप से ज़्यादा, बट बहुत बार क्या करता हूँ मैं रोप भी ट्राई करता हूँ ताकि एक पता चले कि मुझे कौन सी सूट कर रही है या फिर मेरे लिए कौन सी बेस्ट है। इसमें एक चीज़ जो कि अभी तक मैंने नई वर्ड यूज़ करा, माइंड मसल कनेक्शन। भाई इसमें आप वेट तो हैवी उठाना ही भूल जाओ, इसमें 10 से 12 रैप करने हैं, बहुत आराम से करने हैं। अब इसमें क्या रखना है आपको ध्यान कि जब आप ले जा रहे हो लाइक ये है, ठीक है, तो आपको स्ट्रेट लाना, हाथ बैंड मत रखना, वरना हाथ बैंड रखोगे तो वो एक्सरसाइज लेट्स पे आ ही नहीं पाएगी। हाँ ये इसमें चल रहा है। अब आपको उसमें यही ध्यान रखना है कि आप जब ले जा रहे हो तो हल्का सा शोल्डर लेवल पे लाओ और स्ट्रेट लाओ, ठीक है। आपकी जो बैक है वो यूं आएगी लाइक ये, ये गए और ये आए, समझे, तो लेट्स आपकी खिंच रही है और वापस आ रही है। भाई ये वर्कआउट फॉलो करके देखना वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा, बहुत मेहनत लग रही है शूट करने में भी, तो अच्छे से समझा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, फेवरेट एक्सरसाइज है। अभी तक आप सोच रहे होंगे यार इतनी सारी एक्सरसाइज आएगी, लेकिन जो कंपाउंड मूवमेंट बोलते हैं जिसको, इसके बिना तो क्या एक्सरसाइज होगी, वो है भाई डेड लिफ्ट। डेड लिफ्ट, हाँ, अब आपके सबसे पहले जो क्वेश्चन आया होगा, मुझे पता है वो क्वेश्चन ये आया होगा कि भाई डेड लिफ्ट स्टार्टिंग में कर लेता हूँ हम, जो डेड लिफ्ट एक्सरसाइज है जो तूने लास्ट में बताई वो हम स्टार्टिंग में कर लेते हो। भाई सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था, सेम कि सर जो मेरे कोच है मैं उनको सर ही बुलाता हूँ, तो सर ये जो डेड लिफ्ट की एक्सरसाइज है ये क्यों ना मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लूँ, उसके बाद मैं सुपर सेट से स्टार्ट कर लूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे ये लास्ट में करनी है, चाहे 10 रैप लगा चाहे वेट कम लगा, लेकिन इसको लास्ट में ही कंसिडर करेगा, स्टार्टिंग में मत करना। और जब स्टार्टिंग में करा थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, क्योंकि डेड लिफ्ट लगाना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता था, बट धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप आराम से मार लोगे। इसके 3 सेट लगाने हैं। अब इसमें रैप्स जो होंगे वो 8 से 10 रैप होंगे, ना कि 10 से 12। कोई ऐसी वेट चूज़ कर रहे हो, अगर आप 20-20 भी कर रहे हो तो आप प्रॉपर फॉर्म देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में सबकी फॉर्म गलत होती है। मैं बोलूँगा वीडियो बनाओ, खुद की वीडियो बनवाओ, चाहे जिम में किसी को बोल दो कि भाई वीडियो बना दे ताकि मुझे पता चले, तो वीडियो बनाओ, ठीक है, और पता चलेगा कि फॉर्म सही है नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो बैक का वर्कआउट है वो यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करने वाले हैं भाई, रेडी हो बाइसेप के लिए, सबकी फेवरेट एक्सरसाइज होती है बाइसेप, और बाइसेप में हम सिर्फ 3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। पंप बहुत तगड़ा आने वाला है, ठीक है, छोटी छोटी सी जो टिप्स है वो आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज आप भी करते हो मुझे पता है, ये जो बाइसेप की एक्सरसाइज बताऊंगा ना ये आपको करते हो। और हाँ, बाइसेप से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैक की जो भी बताई ना भाई, इसी सीक्वेंस में करके देखना, सिर्फ 2 महीने फॉलो करके देख लो, और इस वीडियो को सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, आज से 2 महीने बाद नीचे जाके कमेंट करना कि भाई तूने जो वर्कआउट बताया, तेरे सर ने जो वर्कआउट बताया बेस्ट है, ठीक है, फ्री का वर्कआउट है, ठीक है, तो जाओ और अभी देखना, ठीक है। लेग्स वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पे आ रही होगी, जाके देखना भाई, मज़ा आएगा। तो अब करने वाले हैं हम बाइसेप का वर्कआउट। बाइसेप में सबसे पहले हम करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम बैक की एक्सरसाइज करते हैं ना भाई, हमारा बाइसेप ऑलरेडी ही पंप हो चुका होता है। अब उसको बस एक चीज़ से ध्यान रखना है कि हम माइंड मसल जितना लगाएंगे, अपना पूरा जो दिमाग है ना भाई, कुछ भी हो जाए, जिम में कोई गिर जाए, कोई कुछ भी हो जाए, बाइसेप पे ही ध्यान रहेगा हमारा। तो पहली एक्सरसाइज होने वाली है डंबल कर्ल, प्रॉपर ऊपर लाना। अब जब आप डंबल ला रहे हो लाइक मेरे यहाँ डंबल है, डंबल को हल्का सा अंदर की तरफ ट्विस्ट करना, समझ लो ये डंबल है, हल्का सा अंदर की तरफ ट्विस्ट करना, अंदर की तरफ ट्विस्ट करना, लाइक मैंने उठाया, अब डंबल यहाँ तक आया, डंबल यहाँ तक आया, हल्का सा अंदर ट्विस्ट, ये क्या हल्का सा, ठीक है, हल्का सा अंदर ट्विस्ट करना है, ठीक है। दूसरे और इसके सेट बताना भूल गया, तो सेट बताता हूँ, इसके सेट करने हैं 3 सेट 10 से 12 रैप। अगर आप ऐसा वेट चूज़ कर रहे हो लाइक आप 15 kg का डंबल उठा रहे हो और आप उसमें शोल्डर अपना हिला रहे हो लाइक आप यूँ उठा रहे हो, तो भाई वेट कम कर लो और 3 सेट मारने, इसके मारने 10 से 12 रैप इजीली। जो सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है वो और भी बेस्ट होने वाली है बाइसेप की, वो होने वाली है भाई
अब हमने डंबल कर्ल कर लिया, अब सेकंड जो एक्सरसाइज होगी वो हैमर कर्ल होगी। हैमर कर्ल सबसे बेस्ट लगती है मेरे को लास्ट में, मतलब ऐसा होता है कि जितनी जान है ना सारी लगा दूँ, जितनी भी जान बची है मेरे में। ऐसा होगा कि इसके बाद जो एक्सरसाइज है ना उसमें तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं भाई अब बस बहुत हो गया, मत करवाओ कोई भी, ठीक है। तो सेकेंड एक्सरसाइज होने वाली है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल के हम सेट बता देता हूँ आपको, पहले 3 सेट मारेंगे, ठीक है। और इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप डंबल ले जा रहे हो प्रॉपर ऊपर लाओ, स्लोली नीचे ले जाओ। आप करते क्यों ना, मैंने खुद में भाई बहुत गलतियाँ ढूंढी है, बहुत सही बता रहा हूँ, मैं कॉपी में लिखता हूँ, ठीक है। ये जो कॉपी देख रहे हो ना इसमें मैंने गलतियाँ लिख रखी है, इसलिए मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ। जब मैं डंबल हैमर कर्ल मारता था तो मैं ऐसा डंबल चूज़ करता था, पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट सेट हो जाता था, दूसरे सेट भी, तीसरे सेट में तो सोचता था और हैवी लगाता हूँ, तो हैवी के चक्कर में मैं शोल्डर यूँ ले जाता था, यूँ। अगर मैं डंबल को, मेरे को ये पता था कि डंबल को ऊपर लाना है, बट मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि जब नीचे ले जा रहा था तो स्लोली ले जा रहा है। तो बस यही ध्यान रखना है जब मैं डंबल लाऊं, ठीक है। अब लाने में तो आप ऊपर आराम से लाओगे, धीरे धीरे लाओगे, ठीक है। पर जो नेगेटिव रैप्स होते हैं भाई उन पर फोकस करना स्टार्ट करो, पॉजिटिव अपने आप मिलेगा आपको, ठीक है। नेगेटिव पर ध्यान दो, पॉजिटिव अपने आप मिलेगा। तो इसके करेंगे हम 3 सेट 10 से 12 रैप। अब फाइनल जो एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है बाइसेप की केबल कर्ल। केबल कर्ल में 3 सेट करने हैं, बट मैं आपको प्रीफर करूँगा कि 3 सेट तो करो, इसके साथ लास्ट वाला जो है वो ड्रॉप करो। अब 3 सेट में 10 से 12 रैप करने हैं आपको, ठीक है। वेट चूज़ करो, स्लोली उसको नीचे ले जाओ, ठीक है। स्लोली उसको ऊपर लाओ, फिर स्लोली ऊपर नीचे ले जाओ, स्लोली ऊपर लाओ। इससे आपका बाइसेप जो है ना भाई फट जाएगा, फट, सही बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा पंप हो गया ना इसमें। जब आप 3 सेट कर रहे हो, ठीक है, पहला सेट करा, दूसरा सेट करा, तीसरा सेट करा, लास्ट में ड्रॉप करो। ड्रॉप में मैं बोलूँगा वेट चूज़ करो, भूल जाओ भाई रैप्स, भूल जाओ। मैं बोलूँगा जैसे आपने, मैं बताता हूँ, फर्स्ट सेट किया, सेकंड सेट किया, थर्ड सेट किया। थर्ड सेट में मान लो मैं 30 kg से कर रहा हूँ, तो 30 kg से करने के बाद मैंने 10 से 12 रैप लगाए। जब फोर्थ सेट करूँगा 30 kg से करूँगा 10 रैप, उसके बाद ड्रॉप है क्योंकि हैंड टू हैंड कम किया, 25 kg से करा 10 रैप, 12 रैप, 15 रैप, जितने ज़्यादा लगेंगे। लास्ट में तो ऐसा वेट चूज होता है कि भाई कोई लगवा दो, कोई मतलब मेरा माइंड ऐसा रहता है कि आज छोड़ देना तो शायद मैं बहुत पीछे से चल जाऊंगा। जो मैं लोगों को बोलता हूं कि भाई मेरी ग्रोथ देखो, मेरी ग्रोथ देखो, इन 2 महीने में मैंने क्या ग्रोथ की है, भाई वो बोलने लायक नहीं रहूंगा। जब ये मैंने सीरीज स्टार्ट करने का सोचा तो मैंने सोचा यार मैं कर दूंगा, बट खुद के रिजल्ट नहीं देखे, जो मेरे को कोच ने वर्कआउट दिया है, अगर मैं खुद फॉलो नहीं कर पा रहा मैं क्या समझाऊंगा, कैसे बताऊंगा कि क्या गलतियाँ होती है। तो वर्कआउट फॉलो करा और गलतियाँ पता चली, रिजल्ट भी आए, ठीक है। 2 महीने का कंप्लीट हो चुका, लास्ट 1 महीना बच रहा है। ये था आज का वर्कआउट, बहुत तगड़ा वर्कआउट है मैं बोलूँगा, ठीक है। वर्कआउट फॉलो करके देखना और मुझे बताना कैसा लगा वर्कआउट। मेरे को लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। कुछ भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी आपको पूछना हो मुझसे, ठीक है, तो नीचे जाओ, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो और लाइक कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कुछ भी कर सकते हो आप, मेरी इंस्टाग्राम पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ इस साइड मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, तो जाओ मुझे फॉलो कर लेना और सपोर्ट करते रहो इसी तरह, ठीक है। आज ये वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, 2 दिन बाद लास्ट 3rd एपिसोड आने वाला, वो आने वाला है day 3, ठीक है। इसके बाद व्लॉग्स भी आएंगे और मेरे एग्ज़ाम भी आएंगे, तो मुझे वो भी पढ़ना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और वर्कआउट करते रहो। ये